गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 20 ऑन गेमिंग साइट। और दिस इज़ एनिमल्स फार्म सीरीज़, और हम इसमें जो है वो एनिमल्स फार्म को लेके चल रहे हैं। सो एज आई मेंशन, मैंने पिछले गेम प्ले में आप लोगों को बताया था कि मैं गेम को जो है वो थोड़ा बहुत खेलूँगा, तो मैंने थोड़ा बहुत खेला। और नाउ द रीज़न बेइंग के हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी कम पड़ गई थी, करने को कोई इतना ख़ास चीज़ जो है वो थी नहीं। सो दैट्स व्हाई आई प्लेड द गेम। बेसिकली मैंने एक दो नाइट्स ही स्किप की हैं और थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें सेल की हैं। सो करंटली हमारे पास $34,000 जो है पैसे यहाँ पे क्या हो गए मेरे को। सो 34 असल में टिपर बड़ा है और ट्रैक्टर जो है वो छोटा है, तो उसके वजह से इम्बेलेंस हो रहा है। एनीवेज, $34,000 हैं हमारे पास, और इससे अभी हमने आज के गेम प्ले में कुछ एनिमल्स भी बाय करने। भाई थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल पर्सन जिसने भी बताया कमेंट सेक्शन में कि हमें कौन से एनिमल्स बाय करने चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि बताओ मुझे कौन से एनिमल्स पहले बाय करने चाहिए, तो ज़्यादा वोट्स काउस को थे। सो काउस आर गोइंग टू बी काउस इट इज़, तो हम लोग जो है वो काउस को ही परचेज़ करेंगे और काउस पे ही काम सबसे पहले शुरू करेंगे। काफ़ी लोगों ने हॉर्स और शीप के भी जो है वो मशवरे दिए थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो काउस की थी, तो हमने जो है वो काउस को ही आज के गेम प्ले में हम बाय करेंगे काउस, और हो सका तो उनको फीड भी जो है वो करने की कोशिश करेंगे आज ही के गेम प्ले में। ओके गुड, $18,000 कोई प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी बार्ले की, बट स्टिल आई सोल्ड इट। और $19,000 लगा लो आप कि इतने हमें जो है ये मिल चुके हैं। सो इससे हम लोग जो है वो सीधी सी बात है, हम लोग जो है वो अपने लिए काउस परचेज करेंगे कुछ आधे पैसों की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम सीधे सीधे जो है वो बैंकरप्ट हो जाएं और हमारे पास रहे ही कख ना। सो इसलिए हम लोग जो है वो थोड़े पैसे जो है बचा के रखेंगे। मे भी हमें इमरजेंसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, सो हमारे पास कुछ ना कुछ हो। सो दिस इज़ स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज़। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस अपने फार्म पे, एंड अभी मैं इस ट्रैक्टर को बेसिकली पार्क करने जा रहा हूँ और चलते हैं जी, और हम अपनी लिए काउस को परचेज करते हैं। आई विल प्रोबेबली परचेज ब्राह्मण्स काउस, और बिकॉज इस गेम में मेरे नहीं ख्याल के ब्रीड का कोई इतना रोल है। फार्मिंग सिमुलेटर 22 में है, उसमें जो न्यू जर्सी काउस हैं वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और जो ब्राह्मण्स हैं वो मीट प्रोड्यूस करती हैं। सो चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या चाहिए। सो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गेम में इस तरह की जो है वो चीज़ें कुछ होंगी। सो आई एम गोइंग विद द ब्राह्मण्स काउस, और आई गेस $21,600 दैट वुड बी इनफ। और ये हमारे पास कोई 7-8 काउस जो हैं वो आ चुकी होंगी यहाँ पे। हेयर यू कैन सी वी हैव सम काउस हेयर, और चल फिर रही हैं। अभी हम स्टेटस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सभी कुछ जो है वो 0000 ही है। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू फीड माई काउस विद हे ग्रास। में मुझे नहीं लगता कि कुछ बेसिकली जब आप अनलोड करते तो आपको दोनों ही चीज़ें अनलोड करना पड़ेंगी, ग्रास भी आपने अनलोड करना है, हे भी आपने अनलोड करनी है। बट आई वुड प्रेफर कि मैं सबसे पहले इनके लिए जो है वो हे अनलोड करूं, फिर बाद में हम देखेंगे ग्रास जो है वो उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही फील्ड है। सो लेट मी ग्रैब माई मोवर्स, और इसको हम मोवर्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और हम यहाँ पे जो है वो ग्रास मूव करते हैं विच इज़ नाउ रेडी टू हार्वेस्ट टू बी ऑनेस्ट। और अभी हम जाके जो है अभी ये सारी नोटिफिकेशंस अभी आएंगे, मुझे लगता है मुझे इंटरनेट बंद करके गेम खेलनी चाहिए। पता नहीं कौन कौन सी नोटिफिकेशंस जो है वो आना शुरू हो गई। अब मैं फेसबुक की नोटिफिकेशंस इसलिए बंद नहीं करता क्योंकि हमारा एक ग्रुप भी है, सो उसको मैनेज करना होता है। सो अगर मैं नोटिफिकेशन बंद कर दी तो जो लोग पोस्ट्स वगैरह करते हैं अप्रूवल के लिए वो मसला होगा। अच्छा भाई गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है मुझे अपना कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट कर लेना चाहिए अपनी गेम के साथ, क्योंकि जब मैं आया था माई थॉट के मुझे हैंडहेल्ड ही खेल लेना चाहिए, बट
इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक चीज़। तो अभी हम लोग जो है वो ओके वेयर इज़ द ब्लूटूथ। सो हमें यहाँ पे अभी अपना कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट करना है, एक्सबॉक्स वायरलेस कंट्रोलर। ओके हियर इज, अभी हम वापस आ चुके हैं जी गेम में और अभी काम ही नहीं कर रहा ये। ओके सो हियर वी गो, नाउ द कंट्रोलर इज कनेक्टेड और आप देख सकते हैं हमारे पास एक तो यूआई थोड़ी सी क्लीन आ चुकी है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं कंट्रोलर जब यूज़ कर रहा था तो ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा था, जो एक तरफ की जॉयस्टिक है तो उस वजह से। कल का प्रोबेबली गेम प्ले मैंने विदाउट कंट्रोलर बनाया था और आज खैर अभी कनेक्ट किया तो अभी तो वो इशू नहीं आ रहा, आई जस्ट होप कि आए भी ना। तो ये इसमें कभी कभी इशू आ जाता, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि क्यों आ रहा है ये इशू उस कंट्रोलर के साथ। हालांकि इतना महंगा ये कंट्रोलर मैंने बाय किया था कंपेयर टू माई चाइनीज़ कंट्रोलर, वो बहुत ही सस्ते वाला था लेकिन वो अभी भी ठीक चल रहा है और ये इतना महंगा कंट्रोलर है तो इसके बावजूद भी ये जो है वो जल्दी ख़राब हो गया उसके मुकाबले। एनीवेज वी आर गोइंग टू मूव दिस ग्रास और ये वाला फील्ड ही मैंने चूज़ किया है स्टार्टिंग में। हम इसमें से जो है वो ग्रास मूव कर लेंगे तो उसके बाद मे बी हम किसी और फील्ड को चूज़ करें। सो वहाँ पे हम लोग जो है वो ग्रास प्लांट कर लेंगे जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमने एनिमल्स रखने हैं। सो उसके लिए फिर हमें शीप के लिए भी ग्रास चाहिए होगा, काउस के लिए भी चाहिए होगा। सो मेरे ख्याल से हमें इससे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नोटिफिकेशन आ रही थी। ओके सो आई वाज सेइंग कि हमें उससे थोड़ा सा जो है वो बड़े वाला फील्ड चाहिए होगा क्योंकि जितना ग्रास होगा उतने बेहतर है। हम स्टोर भी करते जाएंगे साथ साथ और मे बी इट इज़ गोइंग टू बी आर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। सो बेल्स बना के बंदा सेल वेल कर देता है, सो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी चलती रहती हैं। एनीवेज वो एक बात की बात है। सो फिलहाल तो हमने यहाँ पे हे बनाना है। सो उस सिलसिले में हम सबसे पहले यहाँ पे अपना फील्ड मूव कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अबे यार मिस कर दिया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बातें। सो अभी हम करंटली अपना फील्ड मूव कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे टेरिटरी यूज़ करेंगे, टेरिटरी पर विंड रोवर। और मैं इनकी बेल्स नहीं बनाऊंगा, आई विल सिंपली यूज़ दी लोडिंग वैगन को यूज़ करते हुए हम लोग ये सारा हे कलेक्ट करके अपनी काउस को डायरेक्ट जो है वो फीड कर देंगे। और अगर लोडिंग वैगन कंजर्व ना होगी, कंजर्व होने से मुराद मेरी ये है कि अगर सारे का सारा हमारा हे जो है वो अनलोड हो गया तो फिर हम लोग उसी लोडिंग वैगन को यूज़ करते हुए स्ट्रा भी जो है वो अनलोड कर देंगे काव फार्म पे, क्योंकि अभी हमारे पास प्राइमर नहीं है। आई जस्ट रियलाइज़ कि जब मैं चीज़ों का बजट सेट कर रहा था तो ना एनिमल टैंक जो ना वाटर टैंक मैंने बाय किया है और ना ही प्राइमर। सो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं पर्टिकुलरली काउस को फीड करने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एनीवेज तो यहाँ पे हमारा मूविंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट्स गो और अभी हमें जो है वो टेडर लेके आना है। आ चुके हैं जी अपने फील्ड में। सो नाउ ऑल वी नीड टू डू इज टू अनफोल्ड दिस टेडर एंड स्टार्ट ड्राइंग दिस ग्रास। तो टेडर यूज़ करना पड़ता है भाई लोग। आई जस्ट रियलाइज़ कि बहुत से लोग वीडियोस जो है वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं और इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने भी जो है वो गेम नई नई स्टार्ट करी होती है। सो भाई जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने नई गेम स्टार्ट करी है, सो अगर ये जो है वो बेसिकली सूखा घास होता है और ये जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम टेडर बोलते हैं और इसको यूज़ करने का मकसद ये होता है ताकि आपका जो ग्रास है उसकी साइड चेंज हो जाए और दूसरी साइड जो है वो धूप में आ जाए। सो ये रियल लाइफ में भी ऐसे यूज़ होता है। सो अभी हम इस ग्रास को सुखाने के लिए इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आपके इस डिवाइस के सामने ट्रैक्टर के सामने पड़ा हुआ है वो वेट ग्रास है, इसको आप नॉर्मल ग्रास बोल सकते हो। और जो मशीन से होता हुआ पीछे वाइट थोड़ा सा लाइट कलर का हो रहा है ये इसको हे बोलते हैं, यानी कि खुश्क घास। ठीक है, एनीवेज तो फाइनली इट्स टाइम टू यूज़ दिस विंड रोवर हमने यूज़ करना है ताकि हम लोग जो है वो ग्रास की अच्छी अच्छी सी साफ़ सुथरी लाइनें जो है वो बना सकें।
अच्छी अच्छी तो मेरे से तो बनने नहीं लगी। कोशिश तो यही करूँगा कि मैं अच्छी अच्छी ही बनाऊँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके सो ये देखा सीधी लाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हेल्पर लगा दें तो वो मतलब बड़ी ज़बरदस्त बनाता है, लेकिन हेल्पर का मसला है कि वो एजिस के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रास पड़ा होता है वो छोड़ देता है, इसको उसको पिक ही नहीं करता। सो नाउ यू कैन सी दूसरी रो भी हमारी बन चुकी है। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है, बट लेट्स सी। ये हो चुकी है जी, हमारा विंड्रोल कंप्लीट हो चुका है और इसको भी हम पार करके आते हैं शॉप पे। लास्ट टाइम यहाँ से करीब से गुज़रा तो वो एनिमल बाय करने वाली प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। ये एक अच्छी चीज़ भी है और मोस्टली अजाब भी है, क्योंकि एनिमल्स तो आपने एक दो दफ़े ही बाय करने होते हैं, बाद में जब भी आप इसके करीब से गुज़रोगे तो सिंपल सी बात है कि वो एनिमल बाय करने वाली प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। नॉट गुड। सो लास्ट हमारा जो यहाँ पे ये चीज़ बची है, ये लोडिंग वैगन ही बची है, सो इसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो अपना हे कलेक्ट करके अपनी काउस को फीड करेंगे। और अगर ये वहाँ पे रिज़र्व नहीं होगी, रिज़र्व होने से मुराद ये है कि अगर ये खाली हो गई, सारे का सारा हमने हे अनलोड कर दिया, सो इसी लोडिंग वैगन को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो ग्रास में अनलोड कर देंगे। अभी किधर जा रहे हैं ट्रैक्टर? चलो जी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हमें जो है वो ट्रैक्टर गुजारना चाहिए। ओके बच गया सो मतलब थोड़ा बहुत सेफ डिस्टेंस है, लेकिन ये है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई काउज फार्म के थोड़ा सा भी करीब से गुजरोगे तो वो एनिमल बाय करने वाली प्रॉम्प्ट जो है वो हमारी सामने आ जाएगी। चलो जी, यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है अपना हे कलेक्ट करना। मुझे नहीं लगता कि ये सारी लोडिंग वैगन भरेगी। एज आई मैंशन अर्लियर, दो रीजंस हैं इसकी। एक तो हमारी लोडिंग वैगन बड़ी है, दूसरा फील्ड छोटा है। दिखने में वैसे ग्रास बहुत ज़्यादा लग रहा है, हे सॉरी ग्रास बोल रहा हूँ, हे दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोडिंग वैगन भर पाएगी। पहले ही मतलब के नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि ये शायद आधी हो पाए मे बी। सो अभी देखते हैं हम कि कितने परसेंट ये लोडिंग वैगन जो है वो भरती है। तो थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव भी ट्राई कर लेते हैं। मज़ा आता है यार वैसे काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में। सो अभी भी हमारी लोडिंग वैगन आधी फुल नहीं हुई, आधी से कम ही है अभी भी। शायद इस फाइनल रो को कलेक्ट करने के बाद ये आधी फुल हो जाएगी। तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये कितने लीटर कैपेसिटी है इस लोडिंग वैगन की। अभी मे भी आधी भर चुकी है, यस अभी आधी भर चुकी है, और हमारा जितना भी हे था इस फील्ड में वो हमने कर लिया है जी कलेक्ट यहाँ से। ठीक है, अब पीछे कुछ बचा नहीं है, सारे का सारा हे हमने कलेक्ट कर लिया है। ये थोड़ी सी लाइन बची है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको जो है वो कर लेंगे पिक। और अभी हमने ये सारे का सारा हे जो है वो अनलोड करना है यहाँ पे कहाँ फार्म पे। चलो आई जस्ट होप के बचे ना इसमें लोडिंग वैगन में थोड़ा सा भी है। ओ माई गॉड, वाकई ये तो सारा का सारा खाली हो गया। अभी कितनी कैपेसिटी चाहिए इनको? ओके प्रोबेबली 30,000 लीटर चाहिए है हमें, और जितनी अभी हमारे पास काउज हैं, और काउज ऑफ यस होपफुली हम फ्यूचर में ज़्यादा बाय करेंगे। सो अभी हमारे पास एक फील्ड है जिसके ऊपर हमने रिसेंटली बार्ले हार्वेस्ट की है, और वहाँ पे स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसी लोडिंग वैगन को यूज़ करते हुए हम वो स्ट्रा कलेक्ट करके वो भी जो है वो यहाँ पे अनलोड करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास प्राइमर है नहीं, तो मैं इस लोडिंग वैगन को थोड़ा सा ज़्यादा भर लूँगा, तो ताकि ओवर द टाइम जो हमारा स्ट्रा है वो अनलोड होता रहे खुद ब खुद ही।
और वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी, स्ट्रा की लाइनें बनी हुई हैं साफ साफ। सो वहाँ से सारा का सारा स्ट्रा जो है वो, सॉरी, मतलब दो जो है वो लाइनें एटलीस्ट वो तो पिक करेंगे। वैसे वो भी ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रा इतना ज़्यादा चाहिए नहीं होता काउस को, लेकिन फिर भी हम चलो पिक कर लेते हैं। वैसे भी इतना स्ट्रा हमने कहीं ना कहीं तो टिकाने लगाना ही, प्राइमर हमारे पास है नहीं। सो बेल्स ही हमने बना के जो है वो स्टोर करनी है बाद में। सो ये तो दो जो लाइनें हैं ये हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं, और वहाँ पे फिर हम लोडिंग वैगन जो है ये पार्क कर देंगे, और उसके बाद ये खुद ही थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अनलोड करती रहेगी। अगर थोड़ा बहुत रैप भी की जाता है तो इतनी मतलब कि कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, खैर है बात नहीं, हमने इधर कोई ना कोई क्रॉप ही प्लांट करनी है, सो हो जाता है मैनेज ये। सो ये बस फाइनल मैं रो जो है वो कलेक्ट करूँगा, इसके बाद हम लोग जो है वो, अब भाई यहाँ पे देखो स्ट्रा का अच्छा खासा यील्ड निकल रहा है। खैर उसकी भी अगेन रीज़न यही है कि फील्ड देखें इसका साइज़ कितना बड़ा है। सो दो ही लाइनें हमने कलेक्ट की हैं, और हमारी लोडिंग वैगन जो है वो आधी भर चुकी है, आधी से ज़्यादा भर चुकी है। सो अभी हम सीधे चलते हैं काउ फार्म पे, और यहाँ पे जाके जो है वो हम इसको अनलोड करते हैं। आई एम ट्राइंग, आज मैं ना सच्ची बात बोलूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन में खेलने का, सो इसलिए मैं बार बार जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जब पर्सनली गेम खेलते हो तो कितने परसेंट ऑफ़ द टाइम आप फर्स्ट पर्सन में ड्राइव करते हो, और कितने परसेंट ऑफ़ द टाइम आप थर्ड पर्सन में ड्राइव करते हो? अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ वो लेजेंड्स जो इस चैनल के ट्रू सपोर्टर हैं और इतनी देर तक ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लाजमी बताइएगा। और आई विल ट्राई कि जितने लोग भी जवाब दें इसका उतनों को ही मैं हार्ट दूँ और रिप्लाई भी करूँ। सो यहाँ पे पूरी अनलोडिंग वैगन अनलोड नहीं हुई। लो जी, अच्छा अभी मैं भी बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये हार्वेस्टिंग तो तू कब से स्टार्ट कर सकता, जब से तू गेम में आया था इसको हेल्पर पे लगा देता। यार मुझे है ना ज़्यादा काम खुद ही करना पसंद है, और वैसे भी हमने अगर अभी से हेल्पर ही लगाने शुरू कर दिए हर जगह पर, सो वो एक मतलब क्या ना मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा गेम का, फिर हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत जल्दी कम हो जाएंगी। और दूसरी भी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे पर्सनली जो है वो खुद से काम करना ज़्यादा पसंद है। जब हमारा फार्म बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो फिर हमने यही काम करना है, हेल्पर ही हमने हायर करना है, फिर ज़ाहिर है हम तो हर काम खुद से जो है वो करने से रहे। सो अभी भी मैं कोशिश करूँगा इधर हेल्पर जो है वो हायर कर दूँ, क्योंकि स्टिल हमने थोड़ी बहुत जो है वो बेल्स बनानी है, तो वो जो बेल्स बनानी है सो ऑब्वियसली उसके लिए फिर हमें या तो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बेल्स बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली इस जगह पे हेल्पर हायर कर दूँगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और मैं थक जाता हूँ, सीधी सी बात है ये कि चीज़ को इतनी देर तक देखते हुए। सो मैं हार्वेस्टर पे यूजुअली जो है वो हेल्पर हायर करना पसंद करता हूँ। ये ट्रैक्टर भी अभी हम यहाँ से कर लेते हैं पिक, और ट्रेलर इधर ही फ़िलहाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिसके बाद में अभी हमें जल्दी ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इधर ही इसको पार्क कर देते हैं। और पिछली दफ़ा भी, पिछले गेम प्ले में भी इस ट्रैक्टर ने जो बेलर था वो अच्छा खासा खींच लिया था, सो इस बार भी मैं यही कोशिश करूँगा कि इसी ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो आज फिर बेलर ड्राइव करें। अच्छा लगता है रेड एंड क्लास के ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे अभी हम करते हैं बेल्स, बेलर कनेक्ट करते हैं, और इसके बाद स्ट्रा बेल्स जो है वो बनाना शुरू करते हैं। वाह, वाकई कसम से मज़ा आता है फर्स्ट पर्सन में ड्राइव करने का। मुझे नहीं पता आप लोगों को आता है या नहीं, मैं तो आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। सो ये हैं हमारे पास 3-4 रोज़ हैं स्ट्रा की, काफ़ी ज़्यादा बेल्स जो है वो निकल आएंगी, फिर उसके बाद जो भी बेल्स निकलती हैं वो उनको हम जो है वो अपने बार में जो है वो स्टोर कर देंगे। सो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारी हार्वेस्टर जो है वो भर चुकी थी, तो उसका जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ, तो खैर है कोई नहीं, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रा रह भी गया फील्ड के ऊपर तो खैर है, हमने लाजमी नहीं कि सारे का सारे जो है वो कलेक्ट करना है। सो एनीवेज गाइस, मुझे लगता है कि आज का गेम प्ले जो है वो बाकी गेम प्लेस के मुकाबले में थोड़ा सा लंबा है,
और अब आगे आगे हमारे पास एक्टिविटीज़ आती जाएंगी तो गेम प्ले लंबे होते जाएंगे। एनीवेज गेम प्ले देखने का गाइस बहुत शुक्रिया, और मैं ऐसे ही आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।